डियर स्टूडेंट, मैं हूँ सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सी बी स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3, और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए थे, और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे। 13 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 13 के पहले के सारे क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस प्रश्नावली को अच्छे से लगाना चाहते हैं, समझ कर लगाना चाहते हैं, तो मैंने स्पर्श रेखा जो अभिलंब रेखा के कॉन्सेप्ट का दो वीडियो बनाया है। तो पहले आप जाकर उन दोनों वीडियो को देखिए, उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आपको ये प्रश्नावली लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप उन दोनों कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोनों वीडियो बनेंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन में 14 क्या है कि जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा यो अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है। यानी 14 में क्या करना है, स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकालना है और अभिलंब रेखा का भी क्या करना है, समीकरण निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एक दो क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से लगा पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में पहला क्या है, पहला क्या करना है, पहले जो दिया उसको उतारिए। वाई बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 6 एक्स 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स और प्लस क्या 5। बिंदु क्या है, 0.5 पे क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, और फिर निकालना है अभिलंब रेखा का समीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर एक्स एक्स के साथ कर लो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 3x क्यूब। इस यहाँ देखिए 6 है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर, और इसमें गुणा करोगे तो आएगा 18x स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 26x, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 10, और 5 का डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, उसको हटा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू। ध्यान दो, ये देखो ये वक्र रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा होती है, और जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा टच करती है इस वक्र को, उसी पॉइंट पर अगर उसी के लंबवत रेखा खींच दे तो उसी को बोलते हैं अभिलंबवत रेखा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, 0.5 पे क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण। तो आइए निकाल लेते हैं डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या है 0.5। और इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, वाई की वैल्यू क्या है 5, तो इसी में पुट कर दो। x की वैल्यू 0 है तो देखो ये 3 है, x की वैल्यू 0 है, 0 का क्यूब करोगे 0 आएगा, माइनस 18 गुणे x की वैल्यू 0 है, 0 का वर्ग करोगे 0 आएगा, प्लस यहाँ पे 26 x की वैल्यू 0 और माइनस क्या हो गया 10, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, देखो ये dy वाई पॉइंट डी एक्स है, किस पॉइंट पे है, तो ये है 0.5 पे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये आएगा बराबर माइनस 10, ठीक है। और ये हो गया प्रवणता, किसकी प्रवणता, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, और मान लेते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, यम वन है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें तो इस स्पर्श रेखा पर एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, तो बिंदु है 0.5, और प्रवणता क्या है, उसी रेखा की प्रवणता यम वन बराबर क्या है माइनस 10, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, हम लोग जानते हैं कि समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला बिंदु होना चाहिए, दूसरा प्रवणता, उसी रेखा की प्रवणता होनी चाहिए और उसी रेखा पर बिंदु होनी चाहिए। तो मुझे स्पर्श रेखा का निकालना है, तो स्पर्श रेखा का पर एक बिंदु भी मालूम है, उसकी प्रवणता भी मालूम है। फार्मूला होता है वाई माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। यह होता है फार्मूला। वाई वन माने क्या, वाई वन का मतलब होता है वाई वन, वाई और एक्स से मतलब नहीं है, ठीक है, वाई को उतार दो। y1 का मतलब देखो ये जो पॉइंट है, ये पहला x1 है, दूसरा y1 है, तो ये y1 की वैल्यू क्या है 5। यम माने क्या, वही यम वन माने वही स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वो कितनी है, उसकी वैल्यू है माइनस 10। यहाँ पे x से मतलब नहीं है, x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू है 0, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा वाई माइनस 5 और ये माइनस 10, एक्स में से 0 घटाओगे एक्स ही आएगा, गुणा करोगे तो आएगा माइनस 10 एक्स, ठीक है। इसको इधर ले आओ थोड़ा, तो इधर आएगा, तो ये 10 इधर आएगा, माइनस में है इधर आएगा, हो जाएगा प्लस 10 एक्स, और ये क्या है प्लस वाई, और ये क्या है माइनस 5 बराबर 0, और ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि हमको चाहिए अभिलंब रेखा का भी समीकरण। तो अगर आप अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना चाहते हो, तो पहले इस अभिलंब रेखा पर
एक बिंदु को प्रवणता मालूम होनी चाहिए। तो स्पर्श रेखा पे बिंदु तो दिया है 0.5, ये बिंदु इस पे भी तो है, ये जो अभिलंबित रेखा है इस पे भी ये बिंदु है, लेकिन प्रवणता नहीं मालूम है। तो प्रवणता अगर आपको मालूम करना है तो मान लीजिए इसकी प्रवणता क्या है, m2 है। देखो स्पर्श रेखा और अभिलंबित रेखा एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, तो बिल्कुल लंबवत है। और जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर होता है, चूंकि ये होता है फॉर्मूला। यमुन माने क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, -10। तो यमुन की वैल्यू है -10, m2 की वैल्यू निकालनी है बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, और m2 की जब वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1/10। और ये हो गया किसका, ये हो गया अभिलंब रेखा की प्रवणता। और अभिलंब रेखा पर एक बिंदु भी है, बिंदु क्या है, तो अभिलंब रेखा पर एक बिंदु है 0.5। तो बिंदु भी है, प्रवणता भी है, निकाल दो समीकरण, वही फॉर्मूला, y − y1 = m, लेकिन इसकी प्रवणता m2, इसलिए m2 कर दो, और x − x1, ठीक है। चलो y − y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू है वही, बिंदु क्या है 0.5, तो ये y1 है, ये x1 है, y1 की वैल्यू क्या है 5 बराबर m2 की वैल्यू, ये प्रवणता है 1/10, और x − x1 की वैल्यू यही 0 है, रख दो 0, और आ गया क्या y − 5 = x में से 0 घटाओगे x ही आएगा, तो x/10 हो जाएगा, और बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √1, बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10y − 10 = 50 बराबर x का, एक में गुणा करोगे x आएगा, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा x, प्लस में इधर आएगा तो −x, और प्लस क्या 10y − 50 = क्या 0, और ये आ गया अभिलंब रेखा का समीकरण, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा दिया रहे और कहे कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, अभिलंब रेखा का समीकरण निकालो, तो पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, ये पॉइंट रखना है, और जो भी मिलेगा वो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगा, बिंदु तो दिया ही है, तो ये बिंदु दिया है, स्पर्श रेखा की प्रवणता भी दिया है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर स्पर्श रेखा के समीकरण से आप निकालोगे अभिलंब रेखा, सॉरी स्पर्श रेखा की प्रवणता से आप निकालोगे अभिलंब रेखा की प्रवणता, और प्रवणता निकल गई तो बिंदु तो वही रहेगा, और प्रवणता और बिंदु मालूम है, तो फिर ऐसे आप क्या करोगे, उसका समीकरण निकाल दोगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है, देखिए ये 2 रहे, दूसरा जो है क्वेश्चन में जो 2 है ना, वो भी वैसे ही है, ठीक है, इसको आप लगा लीजिएगा, तीसरा भी वैसे ही है, इसको आप लगा लीजिएगा, चौथा भी वैसे ही है, इसको भी आप लगा लीजिएगा, और पाँचवा ये है, थोड़ा साइन पॉज करके दिया हुआ है, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप लगाओगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओगे कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, 5 में x = क्या है, cos थीटा cos t, और y = क्या है, y = sin t, के क्या t = क्या करना है, π/4 पर क्या निकालना है, हमको वही निकालना है स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले निकालेंगे dy/dx की वैल्यू, ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करो तो हो जाएगा d/dt, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर cos t का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा −sin t, इधर भी वैसे कर लो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट तो d/dt हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y, sin t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos t, ठीक है। हमको सी dy/dx की वैल्यू, तो इसमें इससे भाग करोगे तो हो जाएगा dy/dt, और बटा ये क्या है dx/dt बराबर क्या, इसकी वैल्यू देखो ऊपर dy/dt, इसकी वैल्यू क्या है cos t, और नीचे क्या है ये माने क्या −sin t, ठीक है। देखो dt से dt कट गया, और cos t / sin t बराबर क्या आया cot t, ठीक है cot t, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया dy/dx की जो वैल्यू आई वो क्या आई −cot t आई, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो है इसी पॉइंट पे ये जो बिंदु है ना t = π/4, ये रखोगे तो जो भी मिलेगा वो मिलेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो रख दो dy/dx, बिंदु क्या है t = π/4, यही तो है, तो ये बराबर −cos t की वैल्यू क्या है π/4, और cot π/4 यानी cot 45 की वैल्यू −1 होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आगे माइनस है, ठीक है, तो −1 हो जाएगा, ये जो मिला हो गया यमोर माने क्या उस स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई, और ऊपर दिया है देखो x, ऊपर क्या दिया था, ऊपर दिया था x = cos t, और y = क्या दिया था sin t, ये दिया था कि नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था x = cos, तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू π/4 थी, मैंने 45 थी, यहाँ भी y =
साइन टी की वैल्यू क्या आती है, 45 माने पाई बाई 4। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, और सॉरी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और वाई बराबर साइन 45 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/√2। तो यहाँ देखो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, इसको निशान के रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1/√2 और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/√2। तो ये एक बिंदु मालूम है और प्रवणता क्या है, m1 बराबर -1। तो ये बिंदु दिया है, प्रवणता दिया है, यहाँ से आप क्या करोगे स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लोगे। और हाँ, अगर आप निकालोगे जब अभिलंब रेखा का समीकरण, तो इस m1 माने क्या, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता से आप निकालोगे अभिलंब रेखा की प्रवणता, और निकालने के बाद बिंदु तो यही रहेगा और प्रवणता भी मिल जाएगा, और आप यहाँ से अभिलंब रेखा की का समीकरण भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन में 14 के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में 15 और देखते हैं क्वेश्चन में 15 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में 15 कह रहा है कि वक्र इतना की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो जो इतने के समांतर हो, एक बार इतने के लंब हो। तो कुछ नहीं करना है, पहले निकालो इसके डिवाइड बाय dx की वैल्यू क्या दिया है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। dy अपन dx की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x के हिसाब से डिफरेंशिएट करो, और करोगे तो ये हो जाएगा dy अपन dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 आएगा, 2x का डिफरेंशिएट 2 आएगा, 7 का 0 आएगा, उसको हटा दो। ठीक है, तो ये जो मिल गया ये dy अपन dx की वैल्यू मिल गई, मिली कि नहीं मिली, लेकिन कह रहा है कि समांतर है। तो देखो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए या अभिलंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए, किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु होना चाहिए। बिंदु नहीं मालूम है तो मान लेते हैं जो बिंदु हो वो क्या है, बिंदु मानना पड़ेगा, बिंदु मान लेते हैं ए कामा बी, इसी पर पुट कर दो। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर बिंदु क्या है, बिंदु है ए कामा बी। अब क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे एक्स वहाँ पे ए रखोगे, जहाँ पे वाई वहाँ पे बी रखोगे। तो रखो 2x की वैल्यू ये है, तो 2a माइनस 2, और ये जो मिल गया इसे ही बोलते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, सॉरी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है ना वो इस रेखा के समांतर है, क्या है, इस रेखा के समांतर है। यानी रेखा क्या है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है, और इसी के समांतर कौन है, तो इसी के समांतर है स्पर्श रेखा। और हम लोग जानते हैं कि अगर रेखाएं समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहले इसकी प्रवणता निकाल लो, प्रवणता इस निकालोगे तो मान लो इसका प्रवणता कुछ भी मान लो, अरे मान लो m2 है और क्या, प्रवणता आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा। तो प्रवणता किसी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए पहले जो x का माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, इसका मतलब x के पहले जो है उसको लिखो, तो x के पहले क्या है 2, तो 2 को लिख लो, बटा y के पहले क्या है, तो y के पहले कुछ नहीं है तो माइनस 1 लिख लो, तो माइनस ये हुआ, और इसके पहले लगा दो माइनस, ऐसे निकलती है रेखा की प्रवणता। इससे ये कट गई, 2 में 1 का भाग करोगे 2 आएगा, ये निकल गया इस रेखा की प्रवणता। और कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है और जो ये रेखा है ये एक दूसरे के समांतर है, अगर समांतर है तो इनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। तो कह सकते हो कि ये रेखा और स्पर्श रेखा आपस में बराबर है, इसलिए ये और ये प्रवणताएं बराबर होंगी। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। चलो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 2a माइनस 2, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है 2। ठीक है, 2a बराबर ये जाएगा उधर, तो उधर जाएगा तो ये 2 है, ये उधर जाएगा प्लस 2, 2 2 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो क्या आएगा, a बराबर 2 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। अब ध्यान दो हमको चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो b की वैल्यू बहुत आसान है निकालना। देखो ये वक्र है कि नहीं, वक्र का समीकरण यही तो है, तो वक्र का समीकरण उतारो, y बराबर क्या, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब ध्यान दो ये वक्र है, वक्र का समीकरण है, इस वक्र पे स्पर्श रेखा है कि नहीं है, तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु को टच कर रही थी वही बिंदु था ये कामा बी। तो ये जो बिंदु है इस वक्र पे है कि नहीं, तो बिल्कुल है, तो ये बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगा। तो आप कह सकते हो कि जो बिंदु ये कामा बी है इस वक्र को सेटिस्फाइड करेगा, तो ए और बी की वैल्यू से पुट कर दो, यानी ए माने क्या, एक्स की वैल्यू ये रख दो, वाई की वैल्यू बी रख दो, तो वाई की वैल्यू बी हो गई, एक्स की वैल्यू ए, तो ये स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7। ठीक है, देखो ए की वैल्यू क्या थी 2, तो ए बराबर 2 आप रखोगे, तो जैसे ए बराबर 2 यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर ए की वैल्यू 2 है, 2 दुनाए 4 माइनस 2 दुनाए 4 और प्लस क्या, ये हो गया 7, 4 से 4 कट गया और क्या आया, बी बराबर 7 आया कि नहीं आया। ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 7 थी, तो ए कामा बी बिंदु क्या मिल गया, तब कह सकते हो बिंदु ए कामा बी था, ए की वैल्यू क्या थी 2, बी की वैल्यू क्या थी 7, ये बिंदु मिल गया, मिला कि नहीं, ये बिंदु बिल्कुल मिल गया।
और ये बिंदु मिल गया, तो हम लोग जानते हैं कि इस रेखा की प्रवणता हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था, M2 की वैल्यू आई थी 2। M2 की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी कि नहीं, तो M2 की वैल्यू 2 आई थी। इसका मतलब M1 की वैल्यू भी 2 है। M1 माने क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता भी 2 है। तीसरा, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु आ गया और स्पर्श रेखा की प्रवणता भी मिल गई। और बिंदु प्रवणता अगर आप मालूम है तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण बहुत आसान तरीके से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है बी की रेखा इतने पर लंब है, तो ध्यान दो इतना काम तो आपको करना, यहाँ पे आप कह सकते हो ए, यहाँ ए कर सकते हो। इसके बाद आपको बी जब लगाना है तो यहाँ पे आप लिखोगे बी, बी आप लिख दिए। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकाले थे यमोन की वैल्यू क्या थी, यमोन की वैल्यू थी 2a-2, ठीक है, इतनी थी। लेकिन किस रेखा की लंब है, तो इस रेखा 5y-15x-13 5y-15x-13 इसके लंबवत है स्पर्श रेखा, तो इसकी प्रवणता निकाल दो। इसकी प्रवणता मान लो M2 है। प्रवणता कैसे निकालोगे, x के पहले क्या है, x के पहले है 15, तो -15 है, बटा y के पहले क्या है 5, इनके पहले आपको माइनस लगा देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 करने 5, 5 3 15 आ गया 3। देखो ये M1 की वैल्यू, ये M2 की वैल्यू, दोनों कह रहा है एक दूसरे के लंबवत है, तो जब लंबवत होंगे तो प्रवणताओं का गुणफल क्या होगा, -1 M1 × M2 = -1। पल्ले पढ़ रही है ना, बिल्कुल पढ़ रही होगी। चलो आगे देख लेते हैं, M1 की वैल्यू क्या है, तो M1 की वैल्यू है 2a-2। M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू है 3 = -1, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा 2a-2, ये उधर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2a बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -1/3। उसके बाद यहाँ पे देखो 2a है, बटा 1 करके LCM लोगे, 3 × 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, और यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो 5, ये 2 नीचे आएगा तो 5/ कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये मिल गया a की वैल्यू, मिला कि नहीं मिला। अब आप अगर b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो b की वैल्यू बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, तो वक्र क्या था, तो वक्र था y = x²-2x+7। इसी वक्र पर a कामा b है कि नहीं है, तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये बिंदु इसमें पुट कर दो। b की वैल्यू, y की वैल्यू b है तो b हो गया, x की वैल्यू ये है तो ये रख दो, तो a²-2a+7। ध्यान दो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 5/6, इसी में जब रखोगे ना तो b की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, तो a की वैल्यू भी आप पा गए, b की वैल्यू भी पा गए, बिंदु पा गए कि नहीं। अब क्या चाहिए हमको, बोलो क्या चाहिए, हमको चाहिए उस स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो प्रवणता कितना है, प्रवणता क्या निकाले थे, यमोन बराबर क्या निकाले थे, 2a-2, तो यमोन बराबर क्या हो जाएगा 2a-2। a की वैल्यू मालूम है, यहीं पुट कर दो, जो भी मिलेगा यमोन माने स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। बिंदु भी मिल गया, प्रवणता भी निकल गया। अब क्या करना है आपको, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, निकाल दो, ठीक है। आए चलते हैं, देखते हैं कुछ में 16 और देखते हैं कुछ में 16 क्या कह रहा है। देखिए सिद्ध कीजिए कि इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। देखो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं इस वक्र पे, वक्र माने ऐसे है, वक्र पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक यहाँ पे खींच दो, एक यहाँ पे खींच दो, और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के समांतर है, सिद्ध करो। तो अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो इनकी प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो मान लो इसकी प्रवणता M1 है, इसकी प्रवणता क्या है M2 है, चेक कर लो प्रवणता आपस में बराबर है कि नहीं। तो प्रवणता कैसे निकालते हो किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का, तो पहले वक्र का समीकरण क्या है उसको उतारो, क्या है y = 7x³+11। पहले dy/dx की वैल्यू निकालो, इसके लिए x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा dy/dx और 7x² का x³ का डिफरेंशिएट 3x² हो जाएगा, 11 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा dy/dx = यहाँ पे हो जाएगा 21x², ठीक है। ध्यान दो एक बार क्या है, एक बार x = +2 है, एक बार x = क्या है -2 है, तो एक बार क्या करोगे dy/dx एक बार क्या x = 2 पर चेक करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, x की वैल्यू 2 है, 2 × 2 = 4, 21 = 84, ये जो आया M1 की प्रवणता आ गई, ठीक है। चलो M2 का निकाल लो, तो यहीं से M2 का आप निकाल सकते हो, तो कह सकते हो चूंकि dy/dx की वैल्यू क्या है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 21x²,
और यहाँ पे आपको क्या करना है, चूंकि के बाद इसलिए डी वाई अपन डी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखना है माइनस टू, एक्स बराबर माइनस टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्कीस एक्स की वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू का वर्ग कर दो तो हो जाएगा इक्कीस गुणे माइनस दो का वर्ग करोगे तो चार आएगा, इक्कीस सौ चौरासी। और ये जो मिला यम टू की प्रणता मिल गई, ठीक है। देखो यम वन की वैल्यू चौरासी, यम टू की वैल्यू भी क्या चौरासी, तो कह सकते हो कि यम वन बराबर यम टू है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रणताएं बराबर, इसलिए रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर होंगी। सिद्ध हो गया बस। चलो आ जाओ क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। देखो 17 क्या कह रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो 17 कह रहा है कि वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो, एक वक्र है कि नहीं है, इसी वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रणता, तो इस वक्र पर एक बिंदु मान लो ये है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इन्हीं बिंदु को निकालना है। तो मान लो बिंदु ये गामा पे है, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पर्श रेखा की प्रणता, तो पहले इस स्पर्श रेखा की प्रणता निकालो। प्रणता कैसे निकालते हैं, तो देखो वक्र का समीकरण क्या है, वाई बराबर एक्स क्यूब, तो पहले डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई अपान डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट टू एक्स स्क्वायर आएगा। इस पॉइंट पे निकाल, इस पॉइंट को इसी पर रख दो, तो जब रखोगे तो निकल जाएगा स्पर्श रेखा की प्रणता। पॉइंट क्या है, ए कामा बी है कि नहीं है, तो बराबर एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू बी है, तो इसे इनपुट करो तो देखो ये टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ए है तो ये रख दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर, बराबर क्या आएगा टू ए स्क्वायर, बी तो है ही नहीं है। और ये जो मिला ना, इसी स्पर्श रेखा की प्रणता मिल गई है। ये बात समझ में आएगी नहीं है, तो बिल्कुल समझ में आई होगी। अब ध्यान दो क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है, तो वो यहाँ पे देखो x निर्देशांक ये है, y निर्देशांक क्या है b है। अब कह रहा है ये जो प्रवणता है ये y निर्देशांक माने क्या b के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टू ए स्क्वायर बराबर b, इसको मान दे समीकरण में फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखना ये जो वक्र है, वक्र क्या है y बराबर एक्स क्यूब है कि नहीं है, तो इसी वक्र पे जो बिंदु है, इसी वक्र पे ही तो बिंदु ए कामा बी है, तो आप कह सकते हो कि ए कामा बी इस वक्र को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए कामा बी इस बिंदु को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x की वैल्यू एक रख दो, y की वैल्यू बी रख दो, रख दो तो y की वैल्यू बी है, x की वैल्यू ए है, तो हो जाएगा बी बराबर ए क्यूब। ये हुआ कि नहीं, देखो ध्यान से इसको मानो समीकरण नंबर टू, ठीक है। अब समीकरण एक और दो को देखो, यहाँ भी b बराबर इतना है, यहाँ भी b बराबर इतना है, b बराबर इतना, b बराबर इतना, तो ये और इसके बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। समीकरण नंबर एक तथा दो से कुछ नहीं करना है, समीकरण एक को उतारो, क्या है टू ए स्क्वायर बराबर b, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है ए क्यूब, b की वैल्यू क्या है ए क्यूब, इसको इधर ले आओ, इधर जब लाओगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब बराबर जीरो। यहाँ से ए कॉमन है, ये स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा केवल टू, यहाँ बचेगा ए बराबर क्या जीरो, और दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है, इनमें से कोई ना कोई जीरो होगा, कन्फर्म नहीं है कौन जीरो है, तो एक बार इसको जीरो कर दो, वाई बराबर ये जीरो और एक बार ये टू माइनस ए बराबर क्या जीरो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यहाँ से माइनस ए उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू, इससे ये कट गया, ए बराबर क्या आ गया प्लस दो। ध्यान देना, एक बार ए की वैल्यू जीरो आई, एक बार ए की वैल्यू क्या आई दो आई, हमको बिंदु को ही तो निकालना था। तो अब बी की वैल्यू कैसे निकले, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो ए यहाँ देख लो, समीकरण एक को देखो चाहे दो को, तो दो समीकरण बने ही थे, तो ए की वैल्यू जीरो जब पुट करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ए की वैल्यू जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर दो का गुणा करोगे पूरा जीरो आ जाएगा, तो ए की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी, ए की वैल्यू जीरो रखोगे तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो आएगी, ठीक है। एक बार ए की वैल्यू दो रखो तो आ जाओ कहाँ रखोगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, इसमें रख देते हैं, ए की वैल्यू दो रखोगे दो का घन दो दुना चार दुना आठ, तो बी की वैल्यू क्या आएगी आठ, बी बराबर क्या हो जाएगा आठ, ठीक है। तो एक बार ए की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू भी क्या है जीरो, एक बार ए की वैल्यू क्या है दो तो वाई की वैल्यू क्या है आठ, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ में 17 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए, तो आज की वीडियो में रहने दें बस 17 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है, ठीक है। बाकी जो आगे क्वेश्चन है उसको देखेंगे एक नए वीडियो में, तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आगे आप देख लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग हमारे पैसे बनाए रखिए, धन्यवाद।